सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज किसी ने फ्रेंड्स बताने वाले ट्राइन अपना एक न्यू पोर्टल लॉन्च कर दिया, इसका नाम है टॉप कप। वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी कि आपके आईडी प्रूफ से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, यानी कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड निकल चुके हैं, वो सारी डिटेल्स वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर ऐसा लगता है ये मेरा नंबर, तो आपको वहाँ पर कोई एक्सेल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वहाँ पर ऐसा लगता है ये मेरा नंबर नहीं, किसी और का नंबर, तो वहाँ पर आप रिपोर्ट कराएगा कि जिस भी कंपनी का नंबर है, उसके बाद रिक्वेस्ट वहाँ जाएगा, वहाँ पर जिस भी कंपनी का सिम रहेगा उस सिम को बंद कर दिया जाएगा। चलिए इस वेबसाइट के बारे में जान लेते हैं, इस वेबसाइट कैसे काम करता है। आज के सुनने पूरा लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सुनने छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बालिंग आपसे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। आपको इस साइट पर आ जाना है, topcopdigitalcom.gov.in पर। इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। याद किए टॉपकॉप की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए टॉपकॉप यहाँ पे लिखा है, देखिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा जा रहा है, यानी कि एक आधार कार्ड से 9 सिम से ज़्यादा निकल जाती है तो यह टॉपकॉप आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा, यानी कि 9 सिम से ज़्यादा निकाल, अगर 9 सिम से कम निकाले आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा, अगर 9 सिम से ज़्यादा निकालेंगे तो आपको ये टॉपकॉप आपको नोटिफिकेशन देता रहे। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर दिए गए, वो सारी डिटेल को आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आगे बता दूँ, देखिए यहाँ पर टॉपकॉप पोर्टल यहाँ पर दिया है। चलिए जिस भी देखना चाहते हो उस मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। चलिए मोबाइल नंबर डाल दिया, अब यहाँ आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के देखिए यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल को यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना। चलिए ओटीपी का यहाँ पे मैं वेटिंग कर लेता हूँ, देखिए मेरे पास ओटीपी आएगा। चलिए ओटीपी यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर, चलिए यहाँ पे 217 यहाँ पे मेरे पास है। ओटीपी डालने के बाद को वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके आधार कार्ड पे जितने भी सिम चल रही है वो सारी सिम के यहाँ पे डिटेल्स खुल कर आ जाएगा। आपके जितने भी आधार कार्ड से सिम निकले, जितने भी नंबर आपके आधार कार्ड से चल रहे हैं, वो सारी सिम के यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। अब मैं ये डिटेल्स के बारे में बता रहा हूँ, ये डिटेल्स कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता। चलिए मैं इस डिटेल को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखिए, अगर ये नंबर आपको दिखाई दे, ये नंबर मेरा है, इस नंबर को आप यूज नहीं कर रहे, तो अगर ये नंबर को आप मालूम नहीं, ये नंबर है मेरा है नहीं है, तो तब ये रिपोर्ट को यहाँ पे आपको दिस इज नोट पे क्लिक करके यहाँ पे रिपोर्ट आप करवा। देखिए सबसे पहले आपको देखिए इसके आगे में देखिए आपको जिस भी नंबर को आप बंद करवाना चाहते हैं, इसके आगे में देखिए टिक का ऑप्शन, टिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये दिस इज नोट पे, यानी कि आपका नंबर या आपका नंबर नहीं जानते, तब ये दिस इज नोट पे क्लिक आप रिपोर्ट करवा सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, अगर ये नंबर आप जानते हैं ये नंबर मेरा है कि नहीं है, अगर जानते हैं ये नंबर मेरा नहीं किसी और का नंबर है, तब ये आपको यहाँ पे ये नंबर को नोट रिकॉर्ड पे क्लिक करके ये नंबर को रिपोर्ट करवा कर ये नंबर को आप बंद करवा सकते हैं। जिस भी कंपनी का नंबर सिम रहेगा उस कंपनी के पास रिक्वेस्ट पहुँच के उस कंपनी वाले इस सिम को बंद कर देंगे, तब सिम वाले अपनी सिम को यूज नहीं कर पाएंगे। अपने जितनी भी आधार कार्ड से सिम निकाले वो सारी सिम के यहाँ पे डिटेल्स आएगी। जिस भी सिम को बंद करना चाहिए वो सब वो इसके आगे में यहाँ पे टिक लगा रहेगा, उसको टिक मार कर देंगे, वो सिम को यहाँ से बंद कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अगर ये नंबर आपका है, आपका नंबर ये नंबर को आप नहीं जानते, आपको यहाँ पर दिस ये नोट पर क्लिक कर रिपोर्ट कर सकते, आप सिम को बंद करो। अगर ये नंबर जानते ये नंबर मेरा है या कि नहीं है, तब इन नंबर को सेकंड ऑप्शन नोट रिक्वायरमेंट पर क्लिक करके आप रिपोर्ट करवा के इस सिम को बंद करवा सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे आप नई वेबसाइट की तरह से यहाँ पे अपने चेक कर सकते हैं मेरे आधार कार्ड के साथ कितने नंबर निकले, वो सारी डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन कमेंट करें आप नीचे पूछ सकते हैं।